नेपाली सरकार पर चीन का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। नेपाल पहले भारत के साथ साथ सीमा विवाद को लेकर उलझा, उसके बाद अब नेपाल ने भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध के भारतीय कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें नेपाली करार दिया है। नेपाल के कई राजनेताओं ने भी एस जयशंकर के बयान का विरोध किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम की अयोध्या को नेपाल के बीरगंज के पास होने का दावा किया था। गौतम बुद्ध पर विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया। जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध दो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है। उन्होंने सवाल किया था कि अब तक के सबसे महान भारतीय कौन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। मैं कहूँगा कि एक गौतम बुद्ध हैं और दूसरे महात्मा गांधी हैं। इसी बयान पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए आधिकारिक विरोध जाहिर किया था। नेपाल का कहना है कि गौतम बुद्ध पर मामला संदेह और विवाद से परे है, इस तरह बहस का विषय नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने अपनी साल 2014 नेपाल यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल शांति वाला देश है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल ने कहा कि ये सच है कि बौद्ध धर्म नेपाल के बाद दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। नेपाल के बयान के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बुद्ध साझा विरासत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। धार्मिक साझा संस्कृतियों को देखा जाए तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन वे भारत में आने के बाद भगवान गौतम बुद्ध बने। बिहार के गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतिहास अभिलेखों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता राजा शुद्धोधन इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोली वंश से थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को पढ़ा। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां पुत्र राहुल का जन्म हुआ। विवाह के बाद उनका मन वैराग्य की ओर मुड़ गया। सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुह राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वे राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक राम पुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। सुजाता नामक महिला के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। सुजाता बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई, उन्हें सच्चा बोध प्राप्त हुआ। तभी से सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वो बोध वृक्ष कहलाया। गया का समीपवर्ती वो स्थान बोध गया बन गया। भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक संस्कृत के बजाय सीधी सरल लोकभाषा पाली में बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उसके बाद भारत ही नहीं देश विदेश के कई राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।